प्रधान नरेन्द्र मोदी सवार 10:30 वागे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नजरे लगभग 71,000 नवा निमणूक पत्रों नी वितरण करी हती। तो आ प्रसंगे प्रधानमंत्री नवनियुक्तो पण संबोधन पण कर्यु हतु अने रोजगार मेळो ए रोजगार सर्जन ने सर्वोच्च अग्रता आपवानी वडाप्रधान द्वारा प्रदित्योने आपवामां आवी हती। तो परिपूर्णता तरफनुं एक पगलुं छे ए पण कहेवामां आव्युं हतुं। रोजगार मेळा वधु रोजगार निर्माणना उत्प्रेरक तरीके काम करशे अने युवानोने तेमना सशक्तिकरण अने राष्ट्र विकासमां भागीदारी माटे अर्थपूर्ण तको प्रदान करशे तेवी अपेक्षा साथे आ करवामां आव्युं छे। तो देशभरमांथी पसंद करायेल नवी भरतीओ भारत सरकार हेठळ विविध होदो पोस्ट पर जोड़ाशे अने जेम के ट्रेन मैनेजर स्टेशन मास्टर सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर कॉन्स्टेबल स्टेनोग्राफर जूनियर एकाउंटेंट टापल सहायक आवक टैक्स इंस्पेक्टर टैक्स एसिस्टंट अने सीनियर ड्राफ्टमैन केटलक प्रकारना पदों में अने केटलक प्रकारना प्रोफेशन ना लोगों ने आ भर्ती करवा माटे 71,000 निमणूक पत्र आपवामां आव्युं छे। तो नवा निमणूक पामायेलों ने कर्मयोगी प्रारंभ द्वारा पोताने तालीम आपवानी तक पण मळी। तो जे विधि जे विविध सरकारी विभागों में तमाम नवा निमणूको माटे ऑनलाइन अर्जियों माटे कोर्स छे। मैं सभी देशवासियों को वैसाखी की लख लख बधाइयां देता हूं। उल्लास भरे इस त्योहार में आज 70,000 से ज्यादा युवाओं को केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी मिली है। आप सभी युवाओं को, आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई। आपके उज्जवल भविष्य के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं। साथियों, विकसित भारत की संकल्प से सिद्धि के लिए हमारी सरकार युवाओं की प्रतिभा और ऊर्जा को सही अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार के साथ ही गुजरात से लेकर असम तक, उत्तर प्रदेश से लेकर के महाराष्ट्र तक एनडीए और भाजपा शासित राज्यों में सरकारी नौकरी देने की प्रक्रिया तेज गति से चल रही है। कल ही मध्य प्रदेश में 22,000 से ज्यादा शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। ये राष्ट्रीय रोजगार मेला भी युवाओं के प्रति हमारे कमिटमेंट का प्रमाण है। साथियों, आज भारत दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। पूरी दुनिया कोविड के बाद मंदी से जूझ रही है। ज्यादातर देशों की अर्थव्यवस्था लगातार गिरती चली जा रही है, लेकिन इन सब के बीच भारत को दुनिया एक ब्राइट स्पॉट के तौर पर देख रही है। आज का नया भारत अब जिस नई नीति और रणनीति पर चल रहा है, उसने देश में नई संभावनाओं और नए अवसरों के द्वार खोल दिए हैं। एक समय था जब भारत टेक्नोलॉजी हो या इंफ्रास्ट्रक्चर, एक प्रकार से रिएक्टिव अप्रोच के साथ काम करता था, बस रिएक्ट करना। 2014 के बाद से भारत ने प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाई है। इसका नतीजा ये हुआ है कि 21वीं सदी का ये तीसरा दशक रोजगार और स्वरोजगार के वो अवसर पैदा कर रहा है जिनकी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। आज युवाओं के सामने
कई ऐसे सेक्टर्स खुल गए हैं जो 10 साल पहले उपलब्ध तक नहीं थे।